कोरिया जिले का अमृतधारा जलप्रपात पर्यटन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना लिया है। अमृतधारा जलप्रपात में छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश के कई प्रांतों से पर्यटक जलप्रपात देखने पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन के रूप में विकसित कर रहा है। आपको बता दें, कोरिया जिले का अमृतधारा जलप्रपात पर्यटन क्षेत्र में जहां अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वहीं 1 मार्च को अमृतधारा महोत्सव मनाया जाता है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत के साथ विधायक एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो उपस्थित रहे। साथ ही जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही अमृतधारा महोत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के विकास नीतियों को बताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के सफल 3 वर्ष से अधिक क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जिले के अनेक विभागों के स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें विभागीय जानकारी के साथ साथ आम जनमानस को मिलने वाली शासकीय सुविधाओं के बारे में विभाग के अधिकारी जानकारी दे रहे थे। गौरतलब हो कि अमृतधारा महोत्सव कार्यक्रम में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों के लोग काफी संख्या में उपस्थित रहे। इसके अलावा अमृतधारा महोत्सव में मेले का आयोजन होने के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, परंपरागत नृत्य गायन का कार्यक्रम भी हुआ, जिसका आनंद दर्शकों ने भरपूर लिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, जल ही जीवन है। जल हमारे मेरे ख्याल से 70% मात्रा में हमारे शरीर में है। जीवन का प्रमुख अंग है। उसको हम दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको जताने के लिए हम लोग इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। साथ ही हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धाराएं हैं, छत्तीसगढ़ में अनेक अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, उन सब बातों के लिए अलग अलग। कोरिया छत्तीसगढ़ का विराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।